नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सियाराम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निक बाज में। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे जो गूगल पे है, जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं रिचार्ज करने के लिए, डीटीएच रिचार्ज करने के लिए, फंड ट्रांसफर करने के लिए, बहुत कुछ इसे आप कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल पे जो है, इसके जरिए आप किसी के बैंक में केवल उसके बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड के द्वारा कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज पूरा डिटेल में आप जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रक्रिया को करके दिखाते हैं। पे फोन खोलने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें नया भुगतान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर जो इंडिकेट कर रहा हूं वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है उस अकाउंट का खाता नंबर इंटर करना है। तो चलिए मैं खाता नंबर इंटर कर देता हूँ। दोस्तों, इस प्रक्रिया का बहुत ही लाभ है और आप घर बैठे ही किसी के भी अकाउंट में इस प्रकार से बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस केवल आप गूगल पे में रजिस्टर हो जाइए। अगर ये भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इस पर वीडियो बना देंगे कि कैसे आप गूगल पे में सर्वप्रथम लॉगिन करते हैं। और करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और आप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपको एक भी पैसा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है। जबकि आप बैंक में अगर किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। और यहाँ पर गूगल पे जो है फ्री में किसी भी बैंक में आपको अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करने की सुविधा देता है और बहुत जल्दी आपके आंखों के सामने ट्रांसफ़र भी हो जाता है, लाइन में नहीं लगने पड़ता है। तो कई तरह के सुविधा यह उपलब्ध करा रहा है। और इस लॉकडाउन में अगर आपके घर के कोई भी सदस्य कहीं बाहर में फंसे हुए हैं, पैसा की किल्लत हो गई है, तो आप घर से बैठे बैठे इस प्रक्रिया को देखकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी के भी अकाउंट में पैसे। बस केवल आपको उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मालूम होना चाहिए। तो देखिए, मैंने पूरी प्रक्रिया कर ली है, आईएफएससी कोड भी डाल दिया है। अब नीचे अब हमें नाम डालना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको करके दिखाते हैं। तो चलिए, मैंने आईएफएससी कोड और खाता संख्या डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने नाम इंटर करना शुरू कर दिया है। अब शुरू कर देते होने के लास्ट हो जाने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया क्या करना है। तो देखिए, नीचे जारी रखें का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप जो जब पूरी प्रक्रिया या तीनों चारों ऑप्शन जो फिलअप कर लेंगे तो आपको जारी रखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। चलिए, मैंने नाम को भी फिलअप कर लिया है, जारी करने पर क्लिक कर दिया है। देखिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको जितना अमाउंट डालना है उनके अकाउंट में वो फिलअप कर लेना है। तो फिलहाल हमें 1000 रुपया ट्रांसफ़र करना है अपने अकाउंट से जो व्यक्ति के अकाउंट में डालना है। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि किस काम के लिए आप इस पैसे को भेज रहे हैं। तो इसमें से कोई भी स्टिकर आप चुन सकते हैं, बहुत सारे स्टिकर हैं, और वहाँ पर लिख सकते हैं कि पढ़ने के लिए भेज रहे हैं या फिर लॉकडाउन में कोई फंसा है इसलिए डाल रहे हैं। कुछ भी आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि यही लिखिएगा तभी होगा। तो चलिए, इस प्रक्रिया को तो मैंने रीडिंग के लिए यानी कि पढ़ाई के लिए इस पैसा को भेजा है, तो यहाँ पर कर देता हूँ। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ब्लैक हो गया, इसलिए क्योंकि इसमें पासवर्ड डालना होता है तो सिक्योरिटी के लिए ब्लैक हो गया। तो देखिए, ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाँ, तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से एक स्क्रैच कूपन भी हमें मिला है रिचार्ज करने के एवज में। तो यही थी प्रक्रिया दोस्तों, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान स्टेप है, इसे आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा वीडियो को,
और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।